राम बाण बोलो गबल बाण बोलो राम बाण बोलो गबल बाण बोलो बार बार बोलो हजार बार बोलो कहाँ पे रखो अब पकड़ के बैठोगे आज बाबा जी आसमान से आ रहे हैं और इसमें मारवाड़ी बनारसी के साथ साथ मारवाड़ी कौम के जितने नौजवान बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं उन्होंने रात दिन एक करके आज जो है बागी के उत्सव की ये शोभा बढ़ाई है। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा हमारे तमाम बच्चों के लिए हमारे नौजवान लोगों के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए जोरदार तालियां। मामा अभी तो आए आए गुजरे हमारे हजार बार बोलो राम बोलो रवल बाबो राम बोल Oh,
चालू से अच्छा चालू से बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहेब की जय। स्वामी महर्षि नवल साहेब का जन्म उत्सव आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो बाप जी का जन्म जो है विक्रम संवत 1840 में हुआ और आज पूरे 239 साल हो गए हैं। ये 239 वर्ष हो गए बाप जी को। नवल साहेब का जो जन्म दिवस है ये 200 यानी 39 है। तो महर्षि नवल साहेब का जो प्राकट्य दिन है आज का दिन है और बाप जी की जो आयु थी 125 साल की आयु थी, आज आप देख रहे हैं कि बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। तो बाप जी की कृपा से बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। गुरु महाराज कह रहे कि हर साल इस तरह से ये अवसर मना रहे। बोलो सतगुरुदेव की, बोल महर्षि नवल भगवान की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय। आज हम महर्षि नवल भगवान जी का जन्मदिन मना रहे हैं। पूरी दुनिया में कृष्ण भगवान का जन्मदिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इसी तरह हमारे महर्षि नवल भगवान जी का भी जन्मदिन हर्षाला के शहर में एक आम फैमिली में इन्होंने जन्म लिया और हमारी पूरी जाति के कल्याण के लिए इन्होंने अपने सेवा का योगदान दिया। आज जो हम सर उठाकर चल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ महर्षि नवल भगवान की वजह से, क्योंकि हमारी हरिजन जाति पे जो मामला थे, हरिजन जाति पे जो कष्ट थे, हम पूजा पाठ करने से मंदिरों में जाने से बहुत दूर थे। महर्षि नवल भगवान ने हमें ज्ञान का दीप दिया और आज सत्संग देकर पूरी दुनिया में महर्षि नवल भगवान ने हमें एक पहचान दी, नवल समाज को एक पहचान दी और महर्षि नवल भगवान का एक उपदेश जिसको लेके पूरी कौम हम चल रहे हैं। संत महंत और कुटुंब कबीला हिलमिल की जो कामा, कह नवलो जी ईर्षा छोड़ो मान बढ़ाई तामा, ये फिलॉसफी है जिसके तहत हम काम करते हैं। ये बच्चा बच्चा और बड़ा छोटा हर फर्द अपनी सेवा का योगदान देता और आज एक महीना पहले से ही इसकी वर्किंग तैयारी शुरू हो जाती है और आज पूरी दुनिया में डिक्लेयर हो चुका था कि आज बारिश होगी। सिंध गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी थी लेकिन हमारा अकीदा था कि आज के दिन जन्मदिन बिल्कुल हम उसी तरीके से मनाएंगे जिस तरह अगले हर साल मनाते हैं। ये महर्षि नवल भगवान की कृपा है कि आज हम बारिश नहीं हुई और हमने बिल्कुल हमारी बच्चे बड़े फैमिली तमाम लोग जो है मिलजुल कर जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बोल महर्षि नवल भगवान की जय। ये हमारे महर्षि नवल साहब जी का जन्मदिन है और साथ में कृष्ण भगवान का भी है। ये हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और बहुत उम्मीद के साथ मनाते हैं। इसका हमें बहुत जोरों खोरों इंतजार रहता है और ये बहुत इंजॉय इंटरटेनमेंट वगैरह के साथ हम धूमधाम से इंजॉय करते हैं। हैप्पी नवल जयंती, हैप्पी जन्माष्टमी। आज के दिन हमारे दो भगवान बहुत ही महान नवल साहब और श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ये दिन हम लोग बहुत धूमधाम से और खुशियों के साथ मनाते हैं, हर साल इसका बहुत इंतजार करते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हैप्पी जन्माष्टमी, यहाँ नवल साहब का भी और श्री कृष्ण का भी जन्मदिन है और हम ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जय बोलिए महर्षि नवल साहेब की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आज जो ये आप उत्सव देख रहे हैं, आज हमें
दो दो खुशियाँ प्राप्त हुई है, एक तो योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन और दूसरा हमारे इष्ट गुरु माँ ऋषि नवल साहब का जन्मदिन। आज से 239 साल पहले धरती में अवतारित माँ ऋषि नवल साहब ने आकर इस कल्याण इस गलाती पर कल्याण किया और हमें एक सत्संग दी जिससे हमें जीने की राह मिली और इस संसार में हमें किसी तरीके से रहना है, किससे कैसे मिलना है। तो माँ ऋषि नवल साहब ने अपनी वाणी में एक बात कही कि संत महंत और कुटुंब कबीला हिलमिल की जो कामा कहे नवलो जी ईर्षा छोड़ो मान बड़ाई तामा। अगर हम लोग इसी दो शब्द के दोहे पे अमल कर जाए तो हमारी जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि हमारे मन से मान बड़ाई निकलता ही नहीं और जिस दिन हमारे मन से मान बड़ाई निकल जाएगा तो उस दिन हम एक बहुत बड़े बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। बोल महर्षि नवल साहेब की जय।